हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मेरी जो फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल, उसको 56 डेज कल कंप्लीट हो गए थे, आज 57th डे है। तो 56 डेज कंप्लीट होने में कुछ ऐसी लगती है मेरी फीमेल, और अभी कुछ दो चार दिन ही बचे हैं इसको बेबी डिलीवर करने में। दो चार दिन में ही बेबी डिलीवर कर देगी, और मैंने उसके लिए इसके रूम पे ये पराल बिछा दिया है, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और काफ़ी कंफर्टेबल भी रहेगा इसके लिए। अभी मुझे लीजा का भी बिछाना है ना लीजा, तो मैंने आज सुबह बिछाया इसको। अभी 3-4 दिन बचे हैं इसके पपीज डिलीवर करने में, तो होप सो इसके डिलीवरी अच्छे से हो जाए। और डॉक्टर को भी मैं नो टाइम से इन्फॉर्म कर दूंगा कि वो आ जाए, ताकि डिलीवरी के वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये खाना नहीं खा रही यार, अभी मैंने इसके लिए खाना डाला था, इसका फीड वगैरह खाया ही नहीं है। तो कुछ ऐसी दिखती है 56 डेज प्रेग्नेंट फीमेल, देखने से तो उसका टमी काफ़ी बड़ा है, शायद खाना होगा तो पता नहीं। इस बार लास्ट टाइम तो इसने 9 बेबीज दिए थे, जिसमें से 2 की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। इस बार पता नहीं कितनी बेबीज देगी, बस जितने भी हो हेल्दी हो और अच्छे से हो जाए इसके बेबीज, बस और कुछ नहीं चाहिए, और फीमेल सही सलामत हो। तो और अभी मैंने इसका गले का पट्टा उतार दिया, एक्चुअली थोड़ा यू नो बहुत टाइट सा हो रहा था ये, इसको एडजस्ट भी नहीं कर सकता मैं, इसको पता नहीं ये सिल जैसा दिया बाबा ने। तो बस मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी कि मैं एक बार आपको दिखा दूँ कि 56 डेज में कैसी लगती है। और वैसे मैंने डे बाय डे की वीडियोज़ बनाई हुई है, डे 1 से लेकर इसके डिलीवरी डे तक मैं सारी वीडियोज़ एक मतलब कंबाइन करके शॉर्ट सी है, दो 10-10 सेकेंड की, कि हर दिन में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं आपको दिखाऊंगा। मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो मैं उसकी वीडियो अपलोड करूंगा एक दिन। तो आज ही 56 डेज का था, खाना तो खैर प्रॉपर खाई दी है, 4 टाइम दे रहा हूँ इसे मैं, और सब कुछ ही दे रहा हूँ खाने में फ़िलहाल तो मैं इसे, और प्रोटीन डाइट वगैरह सब्जियाँ वगैरह जो भी होती है। तो देखो कब तक डिलीवर कर देती है पपीज, काफ़ी थक सी गई है ना यानी काफ़ी थक सी गई है। और एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम तो इसके बाल ऐसे हटाए हुए थे, इस बार मैं हटाना ही भूल गया, मतलब ये जो बाल यहाँ से है ना, इनको काटना ही भूल गया। पर कोई बात नहीं, वैसे मैंने बोला था आपको कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बहुत पास आएगी, मतलब सॉरी प्रेगनेंसी जो बोल रहा हूँ, डिलीवरी बहुत पास आएगी, तो इसके जो नीचे के बाल ना सारे झड़ जाएंगे। उस टाइम तक तो इसके इतने बाल थे यहाँ पर, अब सारे गायब हो गए, देखो ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं यहाँ पर। तो अभी इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत ही कम बाल रह गए हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं होगी पपीज के साथ, अगर उनको मिल्क पिलाना भी हो तो। तो बस यही था इस वीडियो में, 56 डेज प्रेग्नेंट फीमेल, काफ़ी थकी थकी सी रहती है अभी, आराम करना चाहती है, सो जा यानी सो जा। ये देखो इसको, मुर्गियाँ देखी नहीं बाहर, इतनी जल्दी एक्टिव हो गई ना, अभी तक इतनी हाफ रही थी, थक गई थी ये कोई जानवर दिखा नहीं इसको, ये सुपर एक्टिव हो जाती है। जाना है बाहर, हाँ चुपचाप बैठ जाए एक जगह। ये देखो, मतलब कितनी भी बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, ये हमेशा रखवाली करने के लिए तैयार रहती है, क्यों हमेशा ये देखो इसका टमी 56 डेज में, हाँ अब गेट पे ही बैठ जा। तो गाइस 56 डेज ये है, आप इसके टमी को देख के कोई आइडिया लगा सकते हैं कि इसके कितने बेबीज होंगे, कुछ गेस कर सकते हैं आपके कितने बेबीज हो सकते हैं इसके। लास्ट टाइम इसने 9 बेबीज दिए थे, आप लास्ट टाइम की अगर वीडियो देखोगे तो उसके कंपेयर करके देख सकते हो कि इस बार शायद कितने दे। वेल, जितने भी दे अच्छे से होने चाहिए, एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ फिर से, क्यों जानी। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मैं जो इसकी बेबीज डिलीवर करेगी वो वाली वीडियोज़ भी मैं अपलोड कर दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कितने बेबीज हुए इसके, और बाकी जो मैंने डे बाय डे वाला बोला है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। सो या थैंक यू सो मच, सी यू।